दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। एक बार सोचो अगर बुर्ज खलीफा पर अटैक हो जाए तो क्या होगा। शायद नहीं मालूम होगा लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर अटैक हो जाए, क्या हो अगर ये इमारत जमीन पर चकनाचूर होकर गिर जाए। अब दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जहां 160 मंजिला इस इमारत की लंबाई 829 मीटर है और इसी बुर्ज खलीफा में आपको 148 मंजिलों पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी देखने को मिलेगा। पर दोस्तों तब क्या हो जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर अटैक हो जाए। सवाल काफी पेचीदा है और जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसीलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बुर्ज खलीफा के बारे में वो सच बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हमें पता है कि जब हमने बुर्ज खलीफा पर अटैक होने की बात की थी तो कई सारे लोगों के दिमाग में यही आया होगा कि बुर्ज खलीफा तो मिडिल ईस्ट में, इस पर भला कैसे अटैक हो सकता है। और अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल आया है तो जरा उसे एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से कारण हैं जिस वजह से कोई भी दुनिया की इस सबसे लंबी इमारत पर अटैक कर सकता है, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट में ही क्यों ना मौजूद हो। अब जाहिर सी बात है 900 लग्जीरियस अपार्टमेंट वाले इस बुर्ज खलीफा में आपको ऑफिस, शॉप्स और रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि इस नायाब इमारत में आपको लोगों की खचाखच भीड़ हर समय देखने को मिलती है, और वो भी कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि दुबई के अमीर लोग ही इस इमारत पर कदम रख पाते हैं। अब दुबई के बाहर रहने वालों को दुबई काफी शांत और बेहतरीन लगता हो, पर जिस तरह हर घर में कोई ना कोई मसले चला करते हैं उसी तरह हर शहर के अपने अलग मसले होते हैं, और दुबई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और इस शहर का सबसे बड़ा मसला यानी कि दिक्कत है, यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि यहाँ के अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और यहाँ पर मजदूरों की तरह काम करने वाले गरीब बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसलिए यहाँ रहने वाले शेख गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते। ऐसे में कोई भरोसा नहीं कब कौन उठकर बुर्ज खलीफा पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए अटैक कर दे। तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि बुर्ज खलीफा पर अटैक होना असंभव तो नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं अगर बुर्ज खलीफा पर अटैक हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले तो 110,000 टन सीमेंट जमीन पर रेत की तरह गिरी मिलेगी, क्योंकि इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसे सीमेंट से तैयार किया गया है, ना कि स्टील से। यही कारण है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह तो नहीं गिरेगा जिसे पूरा स्टील से बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अधिकतर स्टील से बनने के कारण जेट के फ्यूल एक्सप्लोजन की वजह से उसकी स्टील पिघल गई और फिर वो अपने आप ही जमीन पर गिर पड़ा। पर बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई प्लेन बुर्ज खलीफा से टकरा जाती है तो जिस हिस्से पर प्लेन टकराएगी सिर्फ वो हिस्सा और उसके ऊपर वाला हिस्सा ही जमीन पर चकनाचूर होकर गिरेगा, न कि पूरी की पूरी बिल्डिंग। खैर प्लेन का टकराना तो एक तरह का खतरा है, लेकिन अगर मान लिया जाए भविष्य में बुर्ज खलीफा पर बम विस्फोट हो तो क्या होगा, और जब ऐसा होगा तो उसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक साथ 35,000 लोग आ सकते हैं, और ऐसे में अगर कोई समस्या होती है तो इतने सारे लोगों का एक साथ मौत के चंगुल में फंसना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। साथ ही साथ अगर इस सिचुएशन में बिल्डिंग का एलिवेटर यानी कि लिफ्ट काम करना बंद कर दे, जो कि आग लगने पर होता है, बिल्डिंग्स की लिफ्ट बंद कर दी जाती है ताकि समस्या आगे ना बढ़े। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर किया जाता है कि हजारों की संख्या में लोगों का सीढ़ियों के सहारे बिल्डिंग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो खुशकिस्मती से बुर्ज खलीफा में 38 ऐसे एलिवेटर हैं जो इमरजेंसी के टाइम में काम करते हैं, और ये एलिवेटर ऐसे हैं जो एक बार में 5500 किलोग्राम के वजन को कैरी कर सकते हैं। जहां एलिवेटर फायर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ इनमें लाइफ बोर्ड इवैक्यूएशन मोड भी होता है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड लिफ्ट में मौजूद लोगों को आसानी से ढूंढकर उन्हें रेस्क्यू कर सकती है। इसके अलावा भी बुर्ज खलीफा में लोगों की सुरक्षा के लिए हर 25वें फ्लोर से लेकर 30वें फ्लोर में रिफ्यूज फ्लोर्स बनाए गए हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पर लोग यहां पर पहुंचकर खुद को बचा सकें। अब अगर लोगों को नीचे आना है तो यहां पर रुक सकते हैं। ये फ्लोर्स फायर रेजिस्टेंट हैं, यानी कि यहां पर आग लगना काफी मुश्किल है। उसके अलावा यहाँ आपको एयर कंडीशन, प्रेशराइज्ड और अलग से एयर सप्लाई भी मिलता है। यही कि अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो बुर्ज खलीफा में सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी परेशानी होती है तो काफी मात्रा में होगी और फिर बहुत सारे लोगों की जान खतरे में चली जाएगी, जिससे निपट पाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए दुबई की सरकार अब इस तरह की इमारतों को और ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए एक अलग से फोर्स तैयार कर रही है, जो जेट प्लेन में चढ़कर बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर पहुंचेंगे और फिर अंदर से लोगों को रेस्क्यू करेंगे। ये टीम काबिल लोगों को मिलाकर बनाई जाएगी ताकि मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस रेस्क्यू टीम से कोई भी भूल चूक ना हो।
तो दोस्तों अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर किसी तरह से बुर्ज खलीफा पर कोई परेशानी आती है तो उसके समाधान का इंतजाम जरूर किया गया है। हालांकि अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें काफी डैमेज देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मल बिल्डिंग के मुकाबले बुर्ज खलीफा काफी सुरक्षित है, इसलिए यहाँ लोगों की जान को खतरा उतनी भारी संख्या में नहीं होगा। और अगर किसी को नुकसान होता भी है तो इसका इंतजाम भी सरकार ने कर रखा है, और आने वाले समय में तो इससे भी ज्यादा सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे बुर्ज खलीफा और भी ज्यादा फेमस होता जा रहा है, इसलिए यहाँ की सरकार चाहती है कि बुर्ज खलीफा में सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ साथ काफी सुरक्षित भी है, इसलिए अगर किसी भी तरह का कोई अटैक या समस्या यहाँ आती है तो बाकी बिल्डिंगों के मुकाबले यहाँ लोगों की जान को कम खतरा है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में हम जानना चाहेंगे, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।